रह सकता है, पर्दा मैला हो सकता है, दिमाग घूम सकता है, बिजली गरज सकती है, जमीन इधर से उधर हो सकती है, मगर इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमीर एस खान और पीवी भारत टीवी चैनल की ओर से मैं आप सबके लिए एक नमी नमी ताजी ताजी खबरें लेकर पहुंचने वाला हूं। सो पहली न्यूज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हुकुम सिंह पुत्र श्री जोगराज सिंह पिंड अहमदगढ़ नगर थसेरा जिला संभव कनक 30 किलो, चावल 20 किलो, दाल 5 किलो। अबे राशन कार्ड किसने रख दिया यहाँ पे? सॉरी सर, गलती से राशन कार्ड रख हो गया आपकी न्यूज में। अबे पिटवाएगा क्या लोगों से? सॉरी सर, कैसी बात करते हो यार। अभी अभी हमें एक न्यूज मिली है कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है। इस न्यूज के लिए, वारदात के लिए हमें पता करने के लिए अपने रिपोर्टर राज सिंह से बात करनी पड़ेगी। हेलो राज सिंह जी, राज सिंह जी क्या आप हमें सुन पा रहे हो? हेलो राज सिंह जी। हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ मैं। सर यहाँ पर एक सड़क हादसे से एक मौत हो चुकी है, जिससे एक नौजवान युवक है, इसका नाम, इसकी शक्ल देख नहीं पा रही है। शायद मर चुका है, और अभी हम देखते हैं ये कौन है। नाम अवतार सिंह, बाप का नाम जगतार सिंह, उम्र 23 साल। ओए ओए, ऐसा मेरा भतीजा। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कभी कभी अपने रिश्तेदार भी आ जाते हैं। अभी हम आपके सामने एक नवी न्यूज लेकर आने वाले हैं। अगली न्यूज है पंजाब से। पंजाब में लगातार शराब के ठेके बंद होने के कारण पंजाब के शराबियों ने रोष प्रदर्शन कर दिया। उनका बोलना है कि अगर उन्होंने उनको शराब ना मिली तो वो चक्के जाम कर देंगे। लेकिन पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जी का बोलना है कि अगर उनको शराब चाहिए तो कम से कम उनके पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन शराबी भाइयों का बोलना है कि अगर उनको शराब के लिए राशन कार्ड बना देंगे तो उनके पंजाब सरकार को क्या परेशानी हो सकती है। तो इन पंजाबी भाइयों का बोलना है, शराबी भाइयों का बोलना है कि कम से कम उन्हें हफ्ते में 15-18 बोतल अच्छी गाड़ी शराब की चाहिए, जिनके साथ वो पूरी सूरत में आ सके, उनको पूरा टैग हो सके। वो 3, 2, 1 ओके रेडी। नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर राज सिंह, कैमरामैन अमित के साथ। अभी पंजाब सरकार ने सभी ठेके बंद कर चुके हैं, तो इसीलिए हम बात करना चाहते हैं इन शराबियों से कि भी किन हालात में ये जिन्होंने ये हल्ला मचा रखा है, गए चक्के जाम कर रखे हैं, और इन्हीं शराबियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपकी बात इन्हीं शराबियों से करने की, और देखते हैं इन शराबियों की क्या हालत है। अरे अभी अभी हम इन शराबियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हालत थोड़ी गंभीर हो रही है। मैं हूँ रिपोर्टर राशि। मैं अभी आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि आपके ठेके बंद हो चुके हैं, और कैसा लग रहा है आपको? ठेके बंद हो गए, चार लीटर दी पैया भाई, बुरा हाल हो रखा भाई, चार लीटर दी पैया भाई। मैं तुहाडी सरकार नूं कहना चाहुंदा है ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਇਨਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਦਾਰੂ ਦਾਰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੋ ਭਾਈ ਦਾਰੂ ਟੁੱਟਿਆ ये चाहते हैं कि हमारे राशन कार्ड बने, जिनके हफ्ते के 4-5 बोतल आए, जिससे इनका गुजारा हो। और अभी हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप क्या क्या चाहते हैं? देखो जी, मैं तो बहुत कुछ चाह रहा, पर सालू हफ्ते विच नहीं, रोज दिए 3-4 बोतल दे दिया करो, साडा शरीर बड़ा टूट जाता है। कब कर दिहाड़ी वाले बंदे हैं जी, असि साडे नाल भुखे मारन वाला मामला करो, असि वोटा कद ले पाई है, सानू शराब दे ले पाई है जी,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਦੋ ਵੀ, ਖੋਲ ਦੋ, ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ, ਖੋਲ ਦੋ, ਖੋਲ ਦੋ ਵੀ, ਖੋਲ ਦੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਹਾਂ ਪਰ, ਖੋਲ ਦੋ ਵੀ, ਖੋਲ ਦੋ, ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ, ਖੋਲ, ਖੋਲ ਦੋ ਵੀ, ਖੋਲ ਦੋ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ रूपनगर जिले से, वहां पे लगातार रूपनगर जिले में 300 घंटे से बारिश पड़ने के कारण वहां पे पानी ही पानी हो चुका है। वहां पे इतना पानी हो चुका है कि वहां के बच्चे सर्दी के मौसम में भी नहाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे हमारे मौजूदा रिपोर्टर राज सिंह जी पहुंच चुके हैं, बाकी सभी बातचीत वो बताएंगे कैसा माहौल हो चुका है वहां पे, कैसे इतना पानी वहां पे, कैसे इतनी मानसून हो रही है। ये बात सुन के तो मैं खुद पानी पानी हो चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीने का मुझे बहुत पानी हो चुका है भाई। जैसा कि आपने सुना कि रूपनगर में 300 घंटे से बारिश होने की वजह से उसी लोकेशन पर मैं पहुंचा हूं। मैं कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी यहां पर कैसा फील हो रहा है, यहां पर नहा रहे हैं बच्चे, उन बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बेटा इधर आओ। जैसे कि ये बच्चा यहाँ पर नहा रहा है, इसी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। बेटा आपका नाम क्या है? अशु। और बेटा यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नहा रहे हो? अरे अंकल झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो उधर खड़ा था, आपने मुझे इधर जाके 10 रुपए का लालच देकर खड़ा कर दिया, बोल रहे थे टीवी चैनल पे आपकी न्यूज आएगी। सॉरी सॉरी, माफ करना, गलती से दूसरा बच्चा आ गया था। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो आप सब कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज चैनल PB12। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. Washing powder Nirma, दूध में सो सफेद निरमा में रहती है, सबको पसंद है निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। आपके टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में मसाला भी है, नया कोलगेट मसाला टूथपेस्ट, आप भी लीजिए हमारे अच्छे दांतों के लिए नया मसाले वाले टूथपेस्ट। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। अभी अभी हमारे पास न्यूज आई है कि पंजाब सरकार ने स्कूलों कॉलेजों के आगे आशिकों का खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, और आशिकों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है वहां पे। तो हमारे न्यूज चैनल से रिपोर्टर राज जी वहां पे उन आशिकों के साथ बात करना चाहते हैं, देखते हैं कि क्या बात करते हैं और आशिकों का क्या कहना है इस मुद्दे पे। नमस्कार, मैं इन आशिकों के पास पहुंचा हूं, इनके हालत बहुत गंभीर लग रही है, ये सभी गेड़ी मार रहे हैं सुबह से, इनको कॉलेजों के आगे नहीं जाने दिया जा रहा, इसीलिए हम बात करते हैं, पूछते हैं इनसे भी इनको कैसा लग रहा है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सरकार ने किया बड़ा गलत किया हमारे साथ। हम सुबह से तैयार होते हैं सभी कुछ लड़कियों को पटाने के चक्कर में, और सुबह से मैं बोलता हूँ मैं रोजाना 100-150 रुपए फजूल खर्च कर देता हूँ अपने पेट्रोल फूकने में, तो ना तो कोई लड़की क्या कुछ पढ़ता ही नहीं है। जब से ये सरकार ने स्कीम लड़ाई हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारा जीना एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए, बस ये बोलना चाहता हूँ। बहुत गलत, सरकार को बोलना चाहता हूँ, बहुत ही गलत किया आपने हमारे साथ। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जल्द से जल्द इनको मौत है, नहीं इनको कॉलेजों के आगे घूमने की परमिशन मिले। अभी यहाँ पर एक और रोमियो राजा मिला है जिससे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही उदास लग रहा है, शायद इसका दिल टूटा हुआ है, पूछने की कोशिश कर रहे हैं हम क्या हो रहा है, हम आपकी इनसे बात कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप मेरी हेल्प करोगे? सर मेरी एक गर्लफ्रेंड यानी सेटिंग थी, मैं यहीं पास में पढ़ रहा था सर। सर अभी मुझे सरकार ने सर जुदा कर दिया सर, अभी एक गोलगप्पे का ठेला लगाता था सर, वो भी हटवा दिया सरकार ने, और हटवा करके सर मुझे मुझसे वो जुदा हो गई सर, अब नहीं मिल पाती है मुझे सर,
सर आप प्लीज सर कुछ कर दो सर, सर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर कुछ कर दो सर, सर हमें उससे मिलवाने में सर बहुत दुख हो रहा है मुझे सर, सर पता नहीं। मैं भी सरकार से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी रेडी वापस लेकर आए और इनके गोलगप्पे फिर से खाने आए, एक ने सात आठ और गर्लफ्रेंड इनकी बन जाए। थैंक यू। यही पे समाप्त होती है। नमस्कार, और आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल PB12 को बहुत ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, दबाकर शेयर करें और बहुत ज्यादा दबाकर शेयर करें। तब तक के लिए न्यू एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।